हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल अली रिपेयर। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आप लोग सभी के लिए स्पिन मोटर, वॉशिंग मशीन मोटर, उसकी वाइंडिंग के बारे में। स्पिन मोटर गाइस हम उसे कहते हैं जिस पे हम कपड़े को ड्राई करते हैं, जिसको कपड़े को सुखाते हैं। जो वो मोटर जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में घूमती है, और एक वो मोटर होती है जिस पे हम कपड़ा धोते हैं, उसे वॉश मोटर कहते हैं। वो जो है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में जो है वर्क करता है। बट ये जो स्पिन मोटर है वो जो है एक डायरेक्शन में घूमता है। सो गाइज, आज मैं इसकी पूरी फुल डिटेल देने वाला हूँ आपको इसके वाइंडिंग के बारे में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास में एक स्पिन मोटर की स्टैंपिंग है। आज मैं इसको वाइंडिंग करूँगा, और आज जो है हम इसको जो वाइंडिंग करेंगे वो कॉपर से करेंगे। इसकी वाइंडिंग का जो प्रोसेस है गाइज बहुत ही ईजी है, और फटाफट इसकी मोटर को आप वाइंडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वाइंडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसके स्टैंपिंग के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वाइंडिंग का इसका प्रोसेस बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले हम जो इस स्टैंपिंग का इसका साइज़ देख लेते हैं, कितना है एमएम का है, क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसका आउटर जो साइज़ है गाइस 4.5 इंच का इसका आउटर साइज़ है, ओके। और इसका जो इनर साइज़ है जहाँ पर हमारा रोटर जो है वर्क करता है, घूमता है, ये 2.25 इंच का है, ठीक है। और इसकी स्टैंपिंग कोड देख लेते हैं कितनी है गाइस। तकरीबन ये एक इंच का है, 1 इंच से थोड़ा सा कम है। अगर इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करूँ तो 25 एमएम का है ये, ठीक है। इसकी जो स्टैंपिंग कोर है 25 एमएम की है, ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वॉशिंग मशीन की जो मोटर है इसमें कुछ कुछ अलग अलग आती है मॉडल। इसके जो स्टैंपिंग के जो साइज़ डिज़ाइन रहते हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट आते हैं, बहुत ही अलग अलग साइज़ रहता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसके जो स्लॉट हैं, ये हमारी इस मोटर का सारे स्लॉट एक जैसे हैं। बहुत सी मोटरों में ऐसा होता है कि एक स्लॉट बड़ा होता है तो एक स्लॉट छोटा होता है, इस तरह के भी आती है मोटर। और कई बार आप देखिएगा यहाँ पर इस तरह का जो ये जो कोना है ये थोड़ा सा कटिंग भी रहता है। कुछ कुछ डिज़ाइनें आती है अलग अलग कंपनी की, जैसे कि वह सैमसंग की है, एलजी का है, और गोदरेज की है। तो बहुत सारी जो है कंपनियाँ निकालती है अलग अलग स्टैंपिंग, अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। सो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन है, जैसे कि हमारी किट मोटर होती है जो कूलर मोटर, उसी तरह का इसके जो स्लॉट सारे एक जैसे कॉमन है। इस पर छोटा बड़ा कोई नहीं है, सारे आप देख सकते हैं, ये देखिए सारे जो है इसमें एक जैसे कॉमन है। और इस पर जो मैं पीवीसी शीट जो यूज़ किया हूँ वो 7 नंबर, और ये जो है गाइस 230 वोल्ट पे वर्क करता है। और इस मोटर में हम 4 MFD 5 MFD तक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा, चलेगा, बट क्या होगा आपकी वाइंडिंग को हिट करेगा। सो गाइस, चलिए मैं जो है इसको वाइंडिंग का आपका प्रोसेस बताता हूँ। बहुत इजी तरीके से आप इसको वाइंड कर सकते हैं। इसका सबसे पहले हम रनिंग के इसमें जो है टोटल 4 कॉइल बनेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग के 4 कॉइल बनाएंगे, टोटल हमारे 8 कॉइल होंगे। तो सबसे पहले हम इस पर रनिंग का कॉइल बनाते हैं। जैसे कि मैंने रनिंग के कॉइल को बना लिया है, इस पर जो है आप कॉइल को अलग अलग ना करें, लास्ट में आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप सारे कॉइल को एक साथ ज्वाइंट रखें, अलग बिल्कुल ना करें। चलिए मैं अब इसको वाइंडिंग का आपको प्रोसेस बताता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ईजी है, आप फटाफट अपनी वाइंडिंग कर सकते हैं। आप इसको जो है कहीं से भी स्लॉट आगे पीछे इधर उधर कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो है गाइस पीस जो रहेगी 1 से 4 में 1 राउंड, 1 से 6 में 2 राउंड। जैसे हम किट मोटर एग्जॉस्ट मोटर को वाइंडिंग करते हैं, सेम उसी तरह आप इस मोटर को भी वाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं बीच के मैंने 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए हैं, आप ये देख सकते हैं 1 और ये 2। इसके बाद आप लॉक लगा लीजिए। लॉक आप ज़्यादा बड़े ना लगाएं, अपने स्टैंपिंग कोर के हिसाब से आप इस पर लॉक लगाएं। और गाइस, इसकी जो कॉइल की जो हमने गोलाई रखी है वो तकरीबन 23 इंच है। इसकी जो आप पूरी जो गोलाई देख रहे हैं वो 23 इंच है।
जब आप अपनी वाइंडिंग के लिए कॉइल बनाएंगे तो अपने स्टैम्पिंग के हिसाब से आप एक बार कॉइल का साइज़ ले लें। ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको कॉइल की साइज़ बता रहा हूँ सेम आपके पास भी हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है। उससे क्या होता है गाइस, अगर सेम आप मेरी साइज़ पे अगर लेंगे तो हो सकता है आपकी स्टैम्पिंग में कॉइल छोटी भी बने या हो सकता है काफ़ी बड़ी भी बने। बड़ी बनने का दिक्कत ये होता है गाइस, आपका तार जो है वेट ज़्यादा जाएगा। मेरे इस कॉइल का, चार कॉइल का टोटल वेट आया है 230 ग्राम, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1 से 4 पे दोनों तरफ लॉक लगा लिया है, ठीक। अब इसके बाद जो है हम इसको 1 से 6 में डालेंगे। 1 से 6 में हमारा जो है 2 राउंड रहेगा, 1 से 4 में हमारा 1 राउंड रहेगा। और इसको जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं वो कॉपर से कर रहे हैं। इसके जो स्लॉट्स होते हैं गाइस काफ़ी बड़े होते हैं, ये आपके आराम से जो है 100, 150, 120, 130 ऐसे टर्न्स जो है आराम से चले जाएगा। सो गाइस इस पे मैंने जो टर्न्स डाले हैं वो मैंने इस पे 140 टर्न्स, और गेज यूज़ किया है मैंने इस पे 30 नंबर, 30 नंबर 30 नंबर कॉपर वायर, और टन्स डाले हैं मैंने इस पे 140 140। तो जैसे कि मैंने इस पे 1 से 6 में 1 राउंड डाला, पीछे के बाकी जो बचे तार हैं आप उसको पूरा फोल्ड करके उसी स्लॉट में फिर से डालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 से 6 कंप्लीट। इसी तरह हम सारे कॉइल को जो है अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आराम से डालें, आप किसी बात का हड़बड़ी ना करें, कहीं से एक आध तार ब्रेक हो जाएगा तो तकलीफ़ें आपको होगी। सो गाइस मैंने इसकी जो है वॉश मोटर की भी वीडियो अपलोड कर चुकी है, अगर अभी तक आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, और उससे रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं गाइस। जैसे कि हमारा जो है ये एक कॉइल कंप्लीट हो गया है, चलिए हम इधर भी जो है लॉक लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इस पर वाइंड हुआ है, क्योंकि मैंने इसका जो कॉइल का जो साइज़ था बहुत ही बराबर तरीके से मैंने इसका साइज़ निकाला था, ना ही मेरी ये कॉइल छोटी बनी है और ना ही ये कॉइल मेरी बड़ी बनी है। गाइस बड़ी बन जाएगी तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बट क्या होता है जहाँ पे हमारा 230 ग्राम का भी जो तार लगा है वो हमारा 250 260 ग्राम तार लग सकता है सिर्फ रनिंग में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए मेरा एक कॉइल जो है कितना अच्छा से कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसी तरह मैं दूसरे कॉइल को भी अप्लाई करूँगा। चलिए मैं 2-3 कॉइल इसके डाल लेता हूँ, लास्ट के कॉइल आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि हमारा कनेक्शन किस तरफ निकल रहा है और किस कैसे निकल रहा है। फ्रेंड देखिए मेरे जैसे कि मेरा 3 कॉइल इस पर इंस्टॉल हो चुका है, अभी लास्ट की कॉइल बची है। मैं आपको फिर से इसका जो है वाइंडिंग का प्रोसेस समझा देता हूँ। 1 से 4 में आप सिंगल रखेंगे, 2nd. अब आप इसमें जो है लॉक लगा लें। उसके बाद 1 से 6 में 2 राउंड रहेगा। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। इस पे हम जो गेज डाले हैं वो 30 नंबर है कॉपर, और इस पे टन जो हमने डाला है वो 140। और ये सबसे पहले हम जो है रनिंग का इसका कॉइल बना रहे हैं। ये हमारा 1 से 4 हो गया। उसके बाद आप इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके 1 से 6 में डालेंगे इसको। तो गाइस जैसे कि मैंने 1 से 6 पे जो है 1 राउंड डाला, उसके बाद जो बाकी में जो पीछे जो हमारे कॉइल बचे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये कॉइल, इसको आप पूरा फोल्ड करके 1 से 6 में फिर से उसी स्लॉट में डालेंगे तो हमारा 1 से 6 में जो है 2 राउंड हो जाएगा।
इस पर हमने लॉक लगा लिया। ये स्पिन मोटर है गाइस, ड्रायर जिस पे कपड़े सुखाते हैं हम, ये एक डायरेक्शन पे घूमता है। तो गाइस आप देख सकते हैं रनिंग का कॉइल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, कितने इजी तरीके से और कितने जल्दी हमने इसको जो है वाइंड कर लिया। तो गाइस इससे रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, 110% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब सबसे पहले मेरी वीडियो वॉच करें, देखें, और भी काफ़ी सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे इसके वॉश मोटर हो गई, एक जॉस मोटर हो गई, काफ़ी सारे मैंने वीडियो भी अपलोड करे हैं। तो आप भी उनको अपना प्यार दें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, और उससे भी रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, पहला कॉइल, अभी हमारा चौथा कॉइल, इसका भी ये राइट साइड निकल के आया है, ठीक है, मतलब इस कोने से इस कोना जस्ट अपोजिट ना निकले, जैसे कि यहाँ पे निकला है ये वाला, ठीक है, तो इसके बाजू ना आए। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ जाएं कि आपकी वाइंडिंग का प्रोसेस जो है वो सही नहीं है। तो एक साइड ये और एक साइड ये, इस कॉइल का ये कोना और इस कॉइल का ये कोना, ठीक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कॉइल का जो डायरेक्शन है बहुत अच्छे तरीके से और सही मैंने इस पर वाइंडिंग किया। अब गाइज इस पर जो है मैं डॉक्टर टेप लगा लेता हूँ। हर वीडियो में बताता हूँ कि डॉक्टर टेप हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की जो कॉइल डलेगी अब वो हम आपस पे शॉर्ट ना हो, बाइंडिंग हमारी दोनों सेफ़ रहे। चलिए फटाफट इस पे जो है मैं डॉक्टर टेप लगा के रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्टिंग के भी कॉइल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस लेट्स गो। चलिए फ्रेंड्स अब इसके बाद जो हम रनिंग का कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पे आगे पीछे बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर टेप लगा के रेडी कर लिया है, आप इधर से भी देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो हम स्टार्टिंग का कॉइल बनाएंगे, स्टार्टिंग का कॉइल भी जो गाइस जैसे हमने रनिंग का कॉइल बनाया था सेम उसी तरह स्टार्टिंग का भी कॉइल बनेगा। 1 से 4 में एक राउंड रहेगा, 1 से 6 में दो राउंड रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग का कॉइल भी बना के रेडी कर लिया है, ठीक है। ये भी जो है हम 30 नंबर से यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारे पहले के जो कॉइल डले हुए हैं जिसपे हमारा 1 से 4 में एक राउंड डला था, अब स्टार्टिंग का भी 1 से 4 डलेगा, तो पहला वहीं डलेगा जो हमारा पहले से एक एक राउंड डला है, एक राउंड उसमें स्टार्टिंग का भी डलेगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सारे स्लॉट में दो दो राउंड स्टार्टिंग रनिंग का मिला के कॉइल डलेगी, ठीक है। इसको भी जो मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ ये भी कॉपर से ही है, 30 नंबर। सबसे पहले हम जो है रनिंग का 1 से 4 जहाँ था वहाँ पे हम एक राउंड डालेंगे। चलिए अब इस पर लॉक लगा लेते हैं। स्पिन मोटर जो है गाइस बहुत सारे गेज में वाइंडिंग होता है, 30-30 में वाइंडिंग होती है, 30-31 में वाइंडिंग होता है, 29-29 में भी होता है, 30-29 में भी वाइंडिंग होता है, काफ़ी सारे जो है गेज में वाइंडिंग किया जाता है। बट मैं यहाँ पे जो है 30 नंबर कॉपर वायर रनिंग स्टार्टिंग दोनों को वाइंडिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो हमारा रनिंग का दो कॉइल था, दोनों कॉइल के बीच में जो हमारा 1 से 4 था हमने उसमें स्टार्टिंग का एक एक राउंड डाल दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम उसके बाजू वाले जो स्लॉट खाली बची हुई है वहाँ पे हम 1 से 6 दो राउंड डालेंगे, इसी तरह हमारे सारे कॉइल जो है इंस्टॉल होंगे। मैं आपको एक कॉइल डाल के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर लास्ट की कॉइल दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है और बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं सर आपने अभी तक डाटा नहीं बताया, भाई बिना डाटा के वीडियो कैसे बनाऊंगा, टर्न्स कितनी डली है वो बताऊंगा,
तो शायद आप पूरी वीडियो को देखते नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सारी जानकारी आपको दी जाती है इस वीडियो पे, फ्रेंड्स कितनी टलेगी, गैस कौन सा है, सब बताता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखते हुए वाइंडिंग की वीडियो अपलोड करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा 1-6 जो है ये कंप्लीट हो गया है। इस पर भी आप लॉक लगाएं, लॉक जब लगाएंगे गाइस तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं एक आध तार जो है लॉक पेपर से बाहर ना रह जाए, बाद में क्या होगा फिर आपका बॉडी शॉर्ट करेगा, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें लॉक लगाने के समय में एक आध कोई तार छूट ना जाए। हमारा 1-6 कंप्लीट। देख सकते हैं आप मेरा स्टार्टिंग का जो कॉइल है, एक कॉइल कंप्लीट हो गया है। कितने अच्छे तरीके से इस पर हमने वाइंड किया है। चलिए मैं फटाफट बाकी कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, लास्ट के कॉइल आपको दिखाऊं। तो गाइज मेरा स्टार्टिंग का जो है 3 कॉइल कंप्लीट हो गया है, अब लास्ट की कॉइल अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए अब हमारी लार्जेस्ट कॉइल जो है इंस्टॉल होने जा रही है, उसके बाद हमारा वाइंडिंग कंप्लीट। बढ़िया करके हम इसमें आगे पीछे बंधाई करेंगे, लीड कनेक्ट करेंगे। गाइस इसमें मैंने जो टर्न्स डाले हैं 30 नंबर से मैंने यूज किया है 30 नंबर कॉपर वायर, और इसमें टर्न्स मैंने डाला है 130 रनिंग का, 140 स्टार्टिंग का, 130। अब 30 नंबर से वाइंडिंग करें, बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे तरीके से इस पर वाइंड हो जाएगा। और आपकी वाइंडिंग भी बहुत अच्छी सक्सेस रहेगी। तो गाइस अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सब और गाइस इससे रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूं। काफी सारी मेरी वीडियो आने वाली है, उस पर भी अभी काम चल रहा है। अभी दिवाली के उससे थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कोशिश रहेगी कि आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो। मैं पीच का डायरेक्शन आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। 1-4 में आप 1 राउंड डालेंगे और 1-6 में आप 2 राउंड डालेंगे। रनिंग को भी वैसी करेंगे और स्टार्टिंग को भी वैसी करेंगे। इसको जो इसके जो टोटल स्लॉट होते हैं गाइस वो 24 स्लॉट का इसका स्टेटर होता है। स्लॉट्स को हम कवर करते हैं 12-12, रनिंग से 12, स्टार्टिंग से 12। हमारा 1-6 और चौथी कॉइल लास्ट की कॉइल जो है कंप्लीट होती है। तो
गाइस देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से फिनिशिंग आई है इस पे। अब इस पे हम जो कॉइल को थोड़ा शेप दे देते हैं ताकि जब हम इस पे रोटर डालें तो हमारी कॉइल जो है अंदर रोटर से टच ना हो। जब हम इस पे सिलाई करेंगे इसकी बनाई करेंगे तो और फिनिशिंग आएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा ये वाइंडिंग कितने अच्छे तरीके से फिनिशिंग से वाइंड हुआ है। अब गाइस इस पे मैं जो है सामने दार बंधाई कर लेता हूँ। सो फ्रेंड मैंने सामने की बंधाई कर ली है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें मैंने बंधाई किया है और इसको मैंने फिनिशिंग दिया है ताकि हमारा जो रोटर है बहुत इसी तरीके से चले जाए, कॉइल पे टच बिल्कुल ना हो, कहीं से तार ब्रेक ना हो। इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। क्या होता है कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वाइंडिंग को अंदर के साइड में दबा के वाइंडिंग करते हैं ताकि जब हम रोटर डालते हैं तो सारा वाइंडिंग का तार में टच होता है, स्क्रेचेस आता है, ब्रेक होता है तार। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत फ्री रखे जगह। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इधर ये बैक साइड में जहाँ पर हम अपना लेड को कनेक्ट करेंगे। इस पे दो रनिंग के तार निकल के आए हैं और दो स्टार्टिंग के तार। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारा ये जो दो तार है, एक ये और एक ये हमारा स्टार्टिंग का तार है जो कि पहले कॉइल के राइट साइड से निकल के आई है और चौथी कॉइल के राइट साइड से निकल के आया है। इसका मतलब हमारा कॉइल का डायरेक्शन बिल्कुल सही रहा। उसी तरह हमारे रनिंग का पहली कॉइल की राइट साइड से और चौथी कॉइल जो हमारी लास्ट कॉइल है उसका भी राइट साइड से। अब इसके बाद हम जो है इसमें लीड कनेक्ट करेंगे। टोटल हमारे इसमें चार लीड आएंगे। रनिंग पे जो है हम रेड लीड को यूज करेंगे और स्टार्टिंग का जो लीड रहेगा वो हम डालेंगे ब्लैक। टोटल हमारे चार लीड। लीड कनेक्ट करने के बाद में हम इस पर बंधाई करेंगे। बंधाई करने के बाद में गाइस हम इसमें वार्निश डाल के दो चार घंटा सुखाएंगे फिर फिट करके हम कस्टमर को देंगे। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइस इससे रिलेटिव कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें।